Hey buddy, what's up? क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज एक हम न्यू गाड़ी लेने वाले जो कि आई थिंक आपने थंबनेल के अंदर देख ही ली होगी, बट उससे पहले इस रेस को कंप्लीट किया था लेट्स गो। और इससे पहले चार जो करियर मोड है वो हमने कंप्लीट कर दिए, चार मोड नहीं चार रेस जो थे इस वाले करियर मोड के अंदर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वाली वीडियो जाकर नहीं देखी तो जाकर से ज़रूर देख लेना। और इससे पहले ये जो पांचवी करियर मोड है ना, इसको मैंने कितनी बार ट्राई किया GTR लेके या फिर और भी गाड़ियाँ थी, बट पहले टर्न लेने दो, रेस पर ध्यान देने दो, बाकी की बातें बाद में कर लेते हैं, आगे चल रहे पगानी। और इससे पहले मैंने GTR R34 ट्राई की, उसके बाद MG GT भी ट्राई की, बट मैं इसको करा ही नहीं पा रहा था। तो इस वाली बंदे के पास जो गाड़ी है ना, बोट के पास, बंदा नहीं है यार, बोट होती इसमें, बट कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं लेके आ चुका हूँ पगानी इस क्लास की बनाकर। टर्न हो जा, मुड़ जा यार, वैसे मुड़ जाती, मतलब ट्रैक के टायर नहीं लगाए मैंने, जितनी हो सकी लो इसकी रेटिंग जो है वो की ताकि इस वाले करियर मोड के अंदर मैं लेकर आ सकूं। तो हाँ, जीत जाएंगे इजीली क्योंकि पगानी लेकर आ चुके यार। जो बंदा आपको करियर मोड के अंदर जो बोट सबसे आगे जा रहा होगा और उसके पास जो गाड़ी होगी ना, वही गाड़ी लेके आ जाओ, चाहे आप हार जाओ दोबारा से आ जाओ, बट उस बंदे के पास, उस बोट के पास जो गाड़ी होगी वही लेकर आ जाना। तो मैं पगानी लेकर आ गया था क्योंकि जो पीछे बंदा मेरे आ रहा है उसके पास पगानी है, बंदा नहीं है यार, बोट, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो पहले तो तीन कंप्लीट कर लेते हैं यार रेस, उसके बाद हम परचेस या फिर ले लेंगे, ठीक है। और हाँ, वैसे फ्री में भी मिल सकती है, हमें बहुत दिन लग जाएंगे उसके लिए, बट मुझे बनाना है कंटेंट, तो समझ जाओ। पर ता चुके यहाँ पर कोई इतनी डिफ़िकल्टी हमें झेलने के लिए नहीं लगी पगानी। और हाँ, पाँचवा जो रेस है वहाँ से आप पगानी ट्राई कर सकते हो, और उससे पहले आप BMW M5 ट्राई कर सकते हो, मैक्स अपग्रेडेड। और हाँ, वो शायद ट्राई इसमें भी कर सकते हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला जो रेस है ना इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ हमने कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से, अब सिक्स जो ऑप्शन है लेट्स गो, इसमें भी आई होप हम इजी तरीके से जीत जाएं। देख सकते हो मैंने जो ना एक बस रेटिंग कम में 90 से ऊपर जाती है, 900 से ऊपर जाती रेटिंग जो होती है तब जाकर GT क्लास में एंटर होती है, बट हमें GT क्लास की गाड़ियां नहीं चाहिए। यहां पर एक GTR R35 आई, इसको भी इजीली पगानी करा सकते हैं ज़्यादा मुझे लग रहा है, देखेंगे। चलो कम ऑन, जाएंगे वैसे जाएंगे, एक्सेलरेशन वो है ना बहुत तेज़ी से लेते, पता नहीं क्यों ऐसा बना कर रख दिया है। हम भी अच्छी खासी रेटिंग वाली नहीं रन देने, तो पहले रेस पर ध्यान देता हूँ यार, मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलता हूँ बाद में, मैं इधर उधर ठोक देता हूँ। थोड़ा टर्न इजी तरीके से इनको करा सकते हैं यहाँ पर अगर टर्निंग में, चल यार चल, बस थोड़ा सा बस बचा हुआ था, जाएंगे। बट ये जो है ना, ये ब्रेक दबाते हैं तो पता नहीं कैसे ब्रेक दबा कर अच्छे तरीके से टर्न लेते हैं, बट जो रियल प्लेयर्स होते हैं ना वो ब्रेक दबा कर टर्न लेते हैं, उनसे तो मैं हैंड ब्रेक दबा कर आगे निकल जाता हूँ किसी तरीके से टर्निंग के अंदर, बट ये सेफ है ऑलरेडी। तो थोड़ा सा बस, थोड़ा सा एक्सेलरेशन, कम ऑन बस हैंड ब्रेक और एग्जिट लो यार फर्स्ट। अब ये लीड छोड़नी नहीं, वरना एक वाली पीछे गया ना तो बाद में जीतना। अब यहाँ पर सीधे सीधे भिड़ जाती यार दीवार में, चलो चलो ये लीड छोड़नी नहीं है हमें किसी भी हाल में, वरना एक बारी पीछे गई तो हाँ जीतना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वैसे जीत सकते हैं, थर्ड तक आप रैंक ला सकते हो, बट बाद में जो स्टार है ना रेटिंग मिलती है इसके अंदर भी, तो वो आपको कम मिलेगी। थर्ड पर आओगे तो एक मिलेगी, सेकेंड पर आओगे तो टू, और फर्स्ट आओगे तो हाँ तीन मिल जाएंगे, तो अच्छी बात होती, उसके थ्रू हमें रिवार्ड्स मिल सकते। एक अगेन कंप्लीट कर लेते यार, एक अगेन, ठीक है, कमॉन, उसके बाद ले लेंगे यार, दिखाऊंगा कौन सी एक गाड़ी या फिर किस तरीके से, देखी होगी वैसे, बट उसका परफॉर्मेंस या फिर ड्राइव करने में वगैरह कैसी है इसके बारे में आपको नहीं पता है, जानने के लिए आप एक्साइटेड होगे तो थोड़ा सा वेट करो, बस एक रेस ये एक कंप्लीट करते उसके बाद देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाले रेस आपने नहीं देखे कंप्लीट जो हमने किए हैं और उसमें कौन सी गाड़ी बेटर है, तो जाकर से ज़रूर से देख लेना। यहाँ पर एक लेम्बो आई है, फिर GTR, पगानी, ऑडी वाले को सब इजीली हरा सकते, वैसे कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है ऑडी वाले को हराना, बट जो पगानी है, GTR और लेम्बो को भी वैसे हरा सकते, GTR थोड़ी बार अच्छी खासी टक्कर देती है इस क्लास में,
यार इजी तरीके से, कोई मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं जितना कॉम्पिटिशन सब, बट हाँ ये गाड़ी लेके आओगे तब हाँ इजी है। वरना इससे अगर दूसरी गाड़ी लेके आओगे ना, मैक्स AMG GT लेकर आओगे, तब भी कोई चांस नहीं है। पगानी जो है ना बोर्ड के पास पगानी, उसको टक्कर देने देना जो है AMG GT की बस की बात नहीं है। GTR R35 को भी, R35 नहीं यार, R34 को भी मैं S क्लास की बनाकर लेके आया था, वो भी 999 जो रेटिंग बोलते हैं या फिर पॉइंट्स जो भी आप बोलो यार, S क्लास की जो मैक्स गाड़ी होती है वैसे बनाकर लेके आया था, फिर भी मैं हरा नहीं पा रहा था पगानी वाले बोर्ड को। बट इसमें इजी तरीके से हमने कितना सारा डिस्टेंस जो है, कितना दूरी तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। चलो इस साइड में टर्न लेता हूँ, इसलिए हमें राइट साइड में टर्न लेना है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड की ओर ज़्यादा मोड़ता हूँ, और अभी देखना दोबारा से। हाँ वैसे इसकी ये जब गाड़ी चलाओगे तब वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इजी तरीके से टर्न हो जाती है। बट कोई अगर गाड़ी टर्न नहीं इजी तरीके से होती है तो हो सके तो जिस साइड टर्न लेना है, यहाँ पर हैंड ब्रेक और ब्रेक दबा कर टर्न लेते हो आप, या फिर हैंड ब्रेक दबा कर, दोनों एक ही है, मतलब ब्रेक ही है, बट हैंड ब्रेक एक डिफरेंट तरह का ब्रेक होता है। तो किस तरह का क्या ब्रेक जो है वो आप प्रेफर करते हो, हैंड ब्रेक या फिर नॉर्मल ब्रेक? मैं अक्सर ज़्यादा टर्न होगा यू टर्न या फिर 90 डिग्री का टर्न, तो वहाँ पर हैंड ब्रेक दबाता हूँ, तब अच्छा मुझे लगता है टर्न लेते हैं। बट बोर्ड जो है वो ब्रेक नॉर्मल दबा कर जाते तब भी मुझसे आगे निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलो हो चुका है कंप्लीट ये वाला भी रेस, और हाँ हमें 3 स्टार से लेकर 3 स्टार ही मिले तीनों रेस के अंदर, तो अच्छी बात है, इसके थ्रू हमें रिवार्ड्स मिलेंगे। और बाकी के रेस भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करते, बट एक ही वीडियो में तो हम नहीं कवर कर सकते, तो समझा करो। इस वाले करियर मोड के अंदर देख सकते हमने 7 कंप्लीट कर दिए, 8 नहीं बाद में देखते हैं, है ना, बाद में देखा जाएगा ये जो कंप्लीट करने बाकी ना 8, 9 बस 3 ही बाकी है इसके अंदर, बाकी वो हम दूसरे वाली इसमें कंप्लीट करेंगे। और इसमें कुछ डिफरेंट है, उसमें एस क्लास की गाड़ियां चाहिए थी, इसमें चाहिए सी क्लास की, बाद में देखना बी क्लास की भी होगी, ये देखो बी क्लास के यहाँ पर गाड़ी, और उसके बाद ए क्लास की भी होगी, इसके बाद इस रिवार्ड के बाद ये देखो ए क्लास की गाड़ी है, इसके बाद एस क्लास की होगी और GT क्लास की भी देखेंगे, एस क्लास की है ठीक है, एस क्लास तक हम चला सकते हैं, नहीं GT क्लास की नई गाड़ी है इसके अंदर जहाँ तक, हाँ नहीं है GT क्लास की, हर किसी बंदी के पास जो परचेस कर सकते ना वही शायद गाड़ियाँ जो है GT क्लास के अंदर एंटर होती हैं, तो हर कोई बंदा तो परचेस नहीं कर सकता, तो हाँ इसलिए गेम डेवलपर ने सोच समझ कर वो मोड जो है वो डेवलप किया रहेगा। यहाँ पर जो गाड़ी है RZ37, ये निशान की गाड़ी है ठीक है, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट कार एक स्ट्रीट के अंदर मैं ये गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ, दिखाऊंगा कार एक स्ट्रीट का जब गेम प्ले लाऊंगा, तो उसके अंदर भी अच्छी है, कुछ हमें बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं जो कि देख लो, ले लेते हैं। चलो यहाँ पर शायद आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि प्राइवेसी रीजन स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है। और हाँ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे बनानी है वीडियो, इसलिए मैं ले रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वैसे फ्री में मिल जाएगी ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है कैलेंडर के अंदर आई हुई है, तो कुछ दिन देखो भाई लूटने के लिए गेम डेवलपर ने अच्छी खासी डेवलपमेंट तो की है। देखो जैसे मैंने ले ली उसके बाद मुझे टॉपअप आया, और इसके अंदर दूसरी स्किन, उससे बेटर बॉडी किट्स पहले ही नहीं दे सकते थे यार, पहले ही देते तो हम, खैर छोड़ो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छी है वैसे कुछ बॉडी पार्ट्स वगैरह अच्छे मिल रहे हैं इसके अंदर, तो ये पहले दे देते तो अच्छी बात हो जाती, हम यही ले लेते। बाकी कपड़ों के साथ भी अच्छे खासे चश्मा वगैरह जो भी हो समझ जाओ, ये अलॉय तो बेकार का है। बाकी ये वाली गाड़ी, इसकी मुझे, मेरे पास ऑलरेडी स्किन भी है जो फ्री में मिलती है। बॉडी पार्ट्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ, चाहो तो यहाँ पर स्किप कर सकते हो, बट बॉडी पार्ट्स वगैरह देखनी हो तो देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। थोड़ा पार हुड ये बेटर है बट महंगा है, मिल जाएंगे जब लेवल हम कंप्लीट करेंगे, तो कुछ हैं जो अच्छे खासे हैं बॉडी पार्ट्स जो कि मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर स्पेक्स जैसे कुछ तो हैं, फिर देख लो यार मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा ये वाला ही अच्छा है जो लिया है वही, बाकी
हेडलाइट पर कुछ चेंजेस, फिर साइड में थोड़े फार बॉडी पार्ट्स, नहीं बॉडी किट्स नहीं बोल सकते, बॉडी पार्ट्स है कुछ तो। फिर स्पॉइलर की अगर हम बात करें तो है अच्छा खासा, बट वही यार महंगा है। गेम वालों ने उस तरीके से बिल्ड करके रखा है ना कि किसी तरह से वो पूरे जो उसके करेंसी है कॉइन से वो खर्च कर ही दे। अच्छे खासे बॉडी पार्ट्स वगैरह तो हैं, देखेंगे इन फ्यूचर देखेंगे, ठीक है अच्छी तरीके से अपग्रेड वगैरह करेंगे तो हाँ देखा जाएगा। और स्पॉइलर यहाँ तो स्पॉइलर लेने की भाई स्पॉइलर की दे रखा है, यहाँ से ये बॉडी पार्ट्स जो है वही उठा लो, ये वाला स्पॉइलर मत लो और उससे अच्छा ये वाला ले लो। इसके अंदर स्पॉइलर भी मिल जा रहा है और बैक का जो हुड है या फिर जो भी हो पार्ट है वो भी मिल रहा है। तो बाद में वो स्पॉइलर की उन्होंने दे रखा है यार, ये वाला भी अच्छा है वैसे, लेवल में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर फ्री में जो है ये वाला लगा देते हैं, बेटर है, या फिर ये वाला लगा देते हैं। चलो थोड़े पर बॉडी पार्ट्स जो भी अपने पास है वो लगा देता हूँ। और आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो थोड़ा, पर हम ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर घुमाएंगे भी। रेस वगैरह तो 20 लेवल की है तो हाँ वैसे परफॉर्मेंस दे सकती है, बट चलो ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं। A few moments later. I think ये ड्रिफ्टिंग के लिए बेटर हो सकती है, ऐसा जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं गाड़ी को देखकर बस बता रहा हूँ कि ड्रिफ्टिंग के लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी छोटी सी है, देख सकते लंबी सी नहीं है, बाकी दिखने में GTR R35 की तरह दिख रही है, जो कि हाँ एक ही कंपनी निशान कंपनी की गाड़ियाँ है तो दिखने में तो वैसी दिखेंगी, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी होगी वो तो मैक्स अपग्रेड। अरे अभी अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो नॉर्मल है, जैसे एम जी की कौन सी यार मर्सिडीज की कौन सी तो गाड़ी आई थी ना C600 करके, कैलेंडर के अंदर ही आई थी, तो उसका जैसा परफॉर्मेंस है वैसा ही सिमिलर सा है, या फिर बोल सकते हो सुपरा जो कि स्टार्टिंग में देखने के लिए हमें मिलती, मतलब मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल अगर 20-30 लेवल अपग्रेड करो तो उसके कंपेरिजन में सी है सिमिलर सी, इसको मैं ठोकता हूँ तो हाँ सिमिलर सी मतलब ठीक है यार, अब बुगाटी से तो कंपेयर नहीं कर सकती ना, बुगाटी या फिर GT क्लास की गाड़ियाँ उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। एवरेज है जो कि मैक्स अपग्रेड करने के बाद S क्लास में एंटर हो सकती है और BMW M5 के टक्कर में जा सकती है, हाँ उतनी भी नहीं बट उससे थोड़ा फन कम, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, यस सब्सक्राइब कर देना वरना एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं आएगा। केयर मजाक करो, ओके बाय, टेक केयर, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।